नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हमारी शाम की वीडियो स्टार्ट है। गए थे वहाँ बोलबम यानी बाबाधाम, तो कपड़े भी कुछ हो गए थे, ज़्यादा तो नहीं ले गए थे, फिर भी घर का कपड़ा हो गया था। बच्चे पाठे को हम लोग तो वो सारा धो के छत पर डाल देते हैं। छत पर आए तो इतनी तेज, एक दिन पहले रात को मंगलवार को रात को तेज हवा और बारिश उतना हुआ था, पूरी छत कचरा कचरा भर गया था। और पेड़ पौधे हैं तो पत्ते सूख जाते, उसका भी कचरा तो देख लीजिए कितनी तेज धूप थी 4 बजे। और सब में फूल फूल बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैंने चलो छत बहा देते, साफ सुथरा रहता तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे में देख लेती हूँ तो भारी भारी सा लगने लगता है। और काफ़ी पेड़ पर पत्ते पीछे भी, जैसे गमले के पीछे पीछे रहते तो सारा उठा के हमने अच्छे से निकाल के झाड़ू, अब इतनी भारी उठा तो उसको नहीं सकती, बस फिर भी आगे पीछे लगा के झाड़ू अच्छे से लगा लेते हैं तो हमारा छत क्लीन हो जाता है। इतनी हवा की वजह से पूरा कचरा, कहाँ कहाँ कचरा आ जाता है, अभी थोड़ा धूल मिट्टी आ जाती है। तो ये देखिए छत हमारे, हमने अच्छे से झाड़ू सब पे लगा लिया, साफ सुथरे रहते तो अच्छा लगता है देखने में भी। और पेड़ पौधे में जो भी पत्ते फूल सूख जाते हैं, मैं हमेशा उसको तो हाथ से तोड़ते रहती हूँ, हटाते रहती हूँ पेड़ पत्ते। चलिए आज देखिए मेरी साफ सफाई कितनी अच्छी लग रही छत। सो फ्रेंड, तो काफ़ी गंदा हो गया था। अब पेड़ पौधे हैं तो पत्ते गिरेंगे सूख सूख के। अंदर तूफान इतना तेज आया था, रात को बारिश भी थी, 2 दिन पहले से कुछ छत गंदा था हल्का हल्का, और रात को हवा तेज थी बहुत तेज, तो और हो गया था सारा छत। आगे से झाड़ू लगा दी, देखिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा हमारा छत। देख लीजिए कितना सारा कचरा रखे, जो कपड़ा है चलते हैं लेके नीचे, देखते हैं फोल्ड करते क्या करते हैं। चलते हैं नीचे, साफ सुथरा हो जाता, कितना हल्का हल्का घर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये हरे हरे गार्डन कितना प्यार प्यार लगता है, देखो। और देख लीजिए कितने रोज अच्छे अच्छे फूल आए। और सुबह तो ये अरहुल का फूल रेड वाला, उधर पिंक वाला होता है, अब इसमें भी फुलाता है वाइट कलर का कनेल का फूल, तो सुबह तोड़ के भगवान जी पे पूजा में चढ़ाए। चलिए नीचे चलते हैं, बहुत सारा नीचे भी काम है। देखिए कितना सारा कपड़ा है। गए थे बाबा धाम, 2 सूट ले गए थे, बस ज़्यादा तो नहीं ले गए थे, एक पहन के गए थे एक ले के गए थे, और कुछ घर का कपड़ा हो गया, उठ जाएगा एक बार में लम्बा है पत्र तुम्हारा। तो बस शाम का खाने पीने का स्टार्ट हमारा हो गया। तो दी को एक दिन पहले हमको बोले कि सत्तू भर का खाने का मन है, तुमने ला बना लेते हो, तो वही आटे में गेहूँ का आटा हमने नमक और थोड़ा सा घी मंगरेल अजवाइन डाल के मैं आटा गून लिया। उसके बाद लग जाती हूँ सत्तू को मिश्रण तैयार करने में। तो धनिया पत्ता, प्याज, लहसुन, अदरक घोल के हमने कूट के, मंगरेल अजवाइन, अचार का मसाला, सरसों का तेल, तो ये देखिए मैं मिश्रण इसका तैयार करके हम दीदी लग जाते हैं भरने में, क्योंकि तलना होता है तो बहुत जल्दी जल्दी तला जाता है। ये हमको उसको आग पर का मन था गोईठा का, तो हम बोले कि चलो इंडक्शन पे, जैसे मैं हमेशा रख के बनाती हूँ आपको दिखा ही चुकी हूँ, तो वैसे ही इसको सेक लूँगी। और इसके साथ चना आलू का सब्जी रहेगा, पतला जैसा रहता ना झोर, उसका ग्रेवी दम पतली तो बहुत अच्छी टेस्ट लगती है। और बैंगन का चोखा खाना था तो आज खाने का नहीं था, मतलब नहीं बोले कि लाए थे, शाम हो गई तो मुझे रहने दिए सब्जी, तो बोली दिए कि घुघनी के साथ बनाओ काफ़ी अच्छा लगता है बाज़ार की तरह, जैसे बाज़ार मार्केट में मिलता है ना खाने के लिए, तो बस वैसे। तो ये देखिए हम लोग ने जल्दी जल्दी भर के स्टार्ट कर दिया सेकना, तो अपना जुगाड़ लगा ही लेते, कटोरी दो रख के जाली उसके पे रख के, और देखिए कितने अच्छे से लिट्टी हमारी बहुत अच्छे से पक जाती है। तो आज का खाना हमारा रात का यही है। वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल का प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें चैनल को, हमें अब वीडियो पसंद आए तो करिएगा। घुघनी बनाने के लिए कुछ नहीं तो मैं भून दी थी, लेकिन भूनना नहीं, जैसे एक स्टू बोलते हैं हम लोग तो सब्ज़ी, तो सब चीज़ आप तेल जीरा मिर्चा जो भी डालना नीचे कुकर रख के सब चीज़ डाल के, और मसाला जो भी आप डाल के बस सीटी लगा दीजिए, काफ़ी टेस्ट अच्छा होता है।
फिर और मैं तो हल्का हल्का भून दी, फिर हल्का प्याज खा रहा था तो मैंने चना आलू, आलू तो उबला हुआ था, अब कच्चे भी डाल सकते थे, लेकिन फिलहाल सुबह के हमारे आलू उबली हुई थी दोस्तों, तो वही हमने तो डाल देती हूँ। साथ में गुलती जीरा अदरक का पेस्ट होता है वो डाल देती हूँ, और लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च हमने डाल दिया है। साथ में गर्म मसाला एक एक चक्का में जीरा फोरन में डाल देता, प्याज हरी मिर्च नमक हल्दी सूखा मसाला में धनिया हल्दी नमक, बस गरम मसाला डाल के और उसको मैं 2-3 सीटी लगा दूंगी। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगले वाले वीडियो में बने रहिएगा। देखिए देखिए बाबा।